धनबाद जिले में नर्सिंग होम की मनमानी चरम पर है। आपको बता दें, कई नर्सिंग होम अपने संस्थान के बायो वेस्ट को नगर निगम के कचरे डब्बे में फेंक देते हैं, जिससे इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में कई तरह की महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। ऐसी ही एक घटना सरायचेला क्षेत्र से सामने आई है, जहां प्रगति नर्सिंग होम के लोगों ने सार्वजनिक कचरे के डब्बे में बायो वेस्ट फेंक दिया, जिसके बाद धनबाद नगर निगम ने शक्ति अख्तियार करते हुए शनिवार को 20,000 रुपये का जुर्माना करने की बात कही। धनबाद नगर निगम के अनिल कुमार ने बताया कि कई बार प्रगति नर्सिंग होम और अन्य क्लिनिक वालों को निर्देश दिया गया है कि वह बायो वेस्ट को नगर निगम के कचरे डब्बे में ना डालें। ऐसा करने से महामारी फैलने का खतरा और भी ज़्यादा बन जाता है, परंतु इस बात को नज़रअंदाज कर अपने संस्थान के बायो वेस्ट को सड़क किनारे रखे गए नगर निगम के डब्बों में डालकर चलते बनते हैं, जिससे आज औचक जाँच में नगर निगम के डब्बे से प्रगति नर्सिंग होम द्वारा फेंका गया बायो वेस्ट बरामद किया गया है। उसे जुर्माना करने की प्रक्रिया की जा रही है। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट। मामला ये है कि नर्सिंग होम के द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट फेंका गया है। इसमें बायोमेडिकल वेस्ट पे हम लोग जुर्माना लगाने जा रहे हैं। इसमें 20,000 रुपये का जुर्माना है। कौन सा नर्सिंग होम है? यह प्रगति नर्सिंग होम, जो आपके सामने ही सब दिखाई दे रहा है। सिरिंज है, ग्लव्स है, पानी चढ़ाने वाला बोतल है, ये सारी जो बायोमेडिकल वेस्ट है। हाँ। वो भी इस कोरोना के पीरियड में रोड पे फेंका गया है। इस पर भी हम लोग जुर्माना लगा रहे हैं। कितने का जुर्माना लगा रहे हैं? 20,000। हाँ, 20,000 रुपये। 20,000, 20,000 रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है। कुछ जब्त वगैरह भी किए हैं क्या? डस्टबिन जिसमें ले गए ये सब, जो डस्टबिन है हमारा, इस डस्टबिन पर ही फेंका गया है। बार बार समझाने के बावजूद और ये लोग यूजर चार्ज का भी मुद्दा है, जो चार्ज भी अभी देख रहे हैं कैसे क्या है। इन लोगों को बस समझाया गया है कि आप बायोमेडिकल वेस्ट जो है, सारे नर्सिंग होम धनबाद में जितने भी नर्सिंग होम है, उन लोगों को सख्त निर्देश है कि बायोमेडिकल वेस्ट निगम के कूड़ेदान में ना डालें, वो अपना व्यवस्था करें। हम जनरल वेस्ट के लिए ही है, हमारा जनरल वेस्ट ही इसमें आएगा। अपना परिचय दे दीजिए। अनिल कुमार, नगर निगम, पुलिस इंस्पेक्टर। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज़।